काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है कंपनी ने इसकी, तो आइए खोल के इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसके साथ हमें ये लिमिटेड वारंटी की कंडीशंस मिलती है, पॉज करके आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल लग रही है मुझे। इसके ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कैप चढ़ाई हुई है ताकि इसके जो एंड्स है डैमेज ना हो, पॉलिश्ड एंड्स होते हैं इसके। आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है, 6 फुट की है, जो कि काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा हर काम के लिए आपके चल जाएगी ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा कॉमन साइज़ यही होता है। तो ब्लू रिगर कंपनी पहली काफ़ी फेमस है, आप जानते ही है। इसकी और भी केबल्स मेरे पास है, USB 3 केबल भी ली थी मैंने, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है, लाइफ टाइम वारंटी है उस केबल पर। तो कंपनी को इतना भरोसा है अपने प्रोडक्ट पर। ऐसे ही ये है, ये आप देख सकते हैं इसका जो एंड होता है, लेज़र ट्रैवल करती है इसके फाइबर से, तो ये पॉलिश्ड ग्लास होता है, या इस तरीके से आपके कंप्यूटर में लग जाता है, या कोई भी रिसीवर जो भी हो आपका उसमें लगा सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ध्यान से होगा आपको, ज़्यादा फोर्स नहीं करना, खांचे देख के मिलाना है। और इस तरह की लाइट दिखती है इससे, लाल रंग की LED लाइट है। ऑडियो सिग्नल्स इसमें इंफ्रारेड लाइट के रूप में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉपर कंडक्टर नहीं होता जैसे कि नॉर्मल RCA केबल्स में होता है। तो एक इसके अंदर एक ग्लास फाइबर होता है, उसके थ्रू ही वो ट्रैवल करता है। तो इसीलिए इस केबल को आपको ज़्यादा बेंड नहीं करना, अगर आप ज़्यादा बेंड करोगे तो ग्लास फाइबर अंदर टूट सकता है और ये केबल बेकार हो जाएगी आपकी। अब मुझे पता नहीं कि इसके लेज़र को हम आँख से सेफली देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, ये तो वीडियो के लिए मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप अवॉइड करें इसको देखना, क्योंकि हो सकता है ये शायद आँख को डैमेज करे। तो कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं इस पर, कुछ कहते हैं कि करती है, कुछ कहते हैं नहीं करती, तो इसका मुझे नहीं पता अभी तक। और दूसरा एंड इसका हम अपने एम्पलीफायर में लगा लेंगे, मेरे केस में ये सोनी के होम थिएटर में लगेगा, बाकी आप किसी भी अपने ऑडियो इक्विपमेंट में लगा सकते हैं इसको। इसकी साउंड क्वालिटी का बहुत ही ज़मीन आसमान में फ़र्क होता है एनालॉग के मुकाबले, इसीलिए जब भी आपको चॉइस मिले आप कोशिश करें कि डिजिटल ऑप्टिकल केबल पिक करें, क्योंकि एनालॉग में एक हमिंग की साउंड होती है, वो भी बहुत बुरी लगती है एम्पलीफायर में। जब आप हाई वॉल्यूम पे करते हैं तो पीछे जो हम सुनाई देती है वो एनालॉग सिग्नल्स की वजह से सुनाई देती है, तो डिजिटल में ये सब चीज़ें नहीं होती। मैं अपने होम थिएटर फुल वॉल्यूम भी कर लेता हूँ, एकदम पता नहीं चलता कि उसकी लाउडनेस इतनी हो रखी है, और जब म्यूज़िक मैं प्ले करता हूँ तो एकदम ही वो लाउडनेस इतनी होती है, तो वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस से भी ज़्यादा साइलेंस इसके वजह से मिलती है हमें। ऑप्टिकल केबल ज़्यादातर होम थिएटर्स में इस्तेमाल होते हैं, जो भी हाई लेवल का इक्विपमेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली तो आप RCA जैक्स ही देखते हैं। और इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिए, अमेज़ॉन से मंगाई थी मैंने, ऑलमोस्ट 400 रुपये की मिल गई थी मुझे।